सगल समग्री तुमरे सूतर धारी तुम ते हो ए सोआ के अकारी तुम ते हो ए सोआ के अकारी तुमरी कृपा में सुख घने रे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुमरी कृपा में सुख घने तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी कृपा में सुख घने हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुमरी कृपा में सुख घने रे तुमरी कृपा शेख फरीद खे दीजे बंदगी शेख फरीद खे दीजे बंदगी खुदा तू बख
بخشندگی تیری بن ہے خدا سارے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک شیخ فرید خیر دیجے بندگی. جسے تھوڑا سا بھی گیان حاصل ہو جائے نا ساتھ سنگت, تھوڑا سا بھی, وہ یہ دات مانگتا ہے. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک. دھیان سے وچار کرنا, مانگ کون رہا ہے؟ بھگت فرید جی, جنہوں نے بچپن سے لے کے ساری عمر کیول بندگی کی ہے. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک. اتنی بندگی ہوتے ہوئے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہے واہ گرو, یا اللہ, ہے میرے خدا, مجھے بندگی کی بھیک دے دے. خیر کا بھاؤ ہوتا ہے بھیک. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک. وچار کرنا ساتھ سنگت جی, ہماری قسمت میں بندگی نہیں لکھی. اگر آج تک امرت ویلا نہیں بنا, کہنے کا بھاؤ کہ بندگی نہیں لکھی ہے قسمت میں. اگر نہیں لکھی ہے تو واہگرو سے گرو نانک کے آگے بیٹھے ہو, ارداس کرو, پکار کرو, پادشاہ بھیک میں دے دے. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک. بھگت فرید جی جنہوں نے سارا جیون بندگی میں بتا دیا, وہ مانگ رہے ہیں بھیک بندگی کی. ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک. جسے جیون میں تھوڑا سا بھی گیان حاصل ہو گیا نا ساتھ سنگت جی, وہ جب ماتھا ٹیکتا ہے گرو کو تو سوائے نام کی داد کے کچھ نہیں مانگتا, کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک. اور یہ جو بندگی ہے, بندگی بندگی بندے سے جے پوے وچ بندی, ویکھن کو دیدار. پاچھا کہتے ہیں بندہ ہے ہی وہ جو بندگی کرے. پیار سے بولیے دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک دھن گرو نانک. یہ جو بندگی کی دات ہے, یہ ایک جڑا ہوا من ہی مانگ سکتا ہے.
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे मिलकर अब जब गाओ तो पुकार हो एक अंदर से भीतर से कि पाछा तरस कर, वहां भी लिखने वाला तू यहां भी लिखने वाला तू, वहां नहीं लिखा अब लिख दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, ये बंदगी की भीख मेरे मस्तक पर लिख दे। दीजे बंदगी शेख परिदे दीजे बंदगी तेरी पनह खुदा शंदगी तेरी पर खुदाए तू बख्शंदगी तेरी पन है खुदाए तू बख्शन है खुदा
परी देखे दीजे बंदगी दीजे बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बंदगी बंदगी इससे प्यारा अक्षर बंदगी। जिन्ना पछाता सच चुमा पैर मुंह, भगत फरीद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने सच को जान लिया, सच क्या है? बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिन्होंने सच को पहचान लिया, जिन्होंने ये जान लिया कि नाम क्या है और जपना शुरू कर दिया। भगत फरीद जी कहते हैं मेरा मन करता है मैं उनके पैर चूमूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चुम्मा पैर मुंह, मैं उसके पैरों को चूमूं जिन्होंने सच को पहचान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच क्या है? बंदगी। बंदगी केवल वही मांग सकता है साध संगत जी जिसे ज्ञान हासिल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो हमारी तो दुनियावी मांगे ही पूरी नहीं होती। माथा टेकते हैं, एक लिस्ट होती है हमारे पास, ये हो जाए, ऐसे हो जाए। पर जो बंदगी करते हैं, जिन्हें ज्ञान हो गया, वो कहते हैं पाचा खैर दीजिए बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया है कि पदार्थों में सुख नहीं है जब तक पदार्थ देने वाला उसमें शामिल ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पदार्थ देने वाला शामिल हो गया पदार्थों में तो वो पदार्थ सुख देते हैं। जिसने सारे सब कुछ दिया है, गाड़ियां दी है, बंगले दिए हैं, जीवन दिया है, जिसने सब कुछ दिया है, कारोबार दिया है, अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो यही कारोबार दुख बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर बंदगी है तो यही चीजें सुख देती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो बड़ी छोटी बात कर रहे हैं सत्संग जी दास यहाँ पर कारोबार की, क्योंकि हमारे लिए बड़ी है, हम दुनियावी लोग हैं। पर जितने भी संत, जितने भी भगत, जितने भी महापुरुष हुए सिवाय बंदगी के कुछ मांगते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के गुरु बाबा मां हरनाम सिंह जी वचन किया करते थे कि 100 जन्मों से ये नंद सिंह हमारे साथ चला आ रहा है और 100 जन्मों में केवल मांगा, जब भी इसे पूछा गया है कुछ मांग ले, एक ही बात कही है इसने कि बंदगी की दात दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बंदगी
शेख फरीद खैर दीजय बंदगी। बंदगी में बंदगी के कुछ पहलू हैं सत्संगत। बंदगी में शिकायत नहीं होती, समर्पण होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समर्पण, शिकायत नहीं कि ये तूने क्या कर दिया। यहां पर तो वो कि तूने जो किया अच्छा किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना चाहते। गुरु ने हमें अनेक दाते दिए, पर उनमें से एक भी वापस ले लेना तो इंसान गुरु को ही छोड़ देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहता गुरु है ही नहीं। दी किसी ने थी सारी दाते गुरु ने, जो बंदगी करते हैं। गुरु दात वापस ले भी ले कोई, वो शुक्राना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो, पीर बैठा है भक्ति कर रहा है, इबादत करता है, 50 साल हो गए उसे इबादत करते हुए, सारी सारी रात बंदगी करता है, साथ में कई पीर बैठे हैं और भी, आकाशवाणी हुई, यह पीर 50 साल हो गए तुझे बंदगी करते हुए, आकाशवाणी हुई, पर खुदा का कहना है कि तेरी बंदगी उसे परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 50 सालों से जो सारी रात जाकर बंदगी कर रहा है, उसे खुदा ये कह दे कि तेरी एक दिन की बंदगी भी आज तक परवान नहीं हुई है। हमारे जैसा कोई हो तो टूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोने लग जाए, छोड़ ही दे बंदगी करना। पर वो पीर नाचने लगा, वो फकीर नाचने लगा, आसपास के फकीर सोचने लगे ये पागल हो गया है, दिमाग पे बात असर कर गई है, क्योंकि रोने वाली बात पर ये नाच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी ने बांह पकड़ कर कहा तूने आकाशवाणी ध्यान से सुनी नहीं, तेरी 50 साल की बंदगी, खुदा का कहना है कि एक दिन की बंदगी भी तेरी परवान नहीं है, तू नाच क्यों रहा है। तो वो फकीर क्या कहता है, क्या कहता है, कहता है मैं इसलिए नाच रहा हूं, खुदा को पता तो है कि 50 सालों से मैं बंदगी कर रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। मैं खुदा की नजरों में तो आ गया, चाहे नहीं परवान की उसने, पर उसकी निगाहों में तो आ गया कि ये 50 साल से बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है बंदगी, उसकी निगाह में आ जाना बहुत बड़ी बात है। बाबा आनंद सिंह जी ने एक दिन पूछा था सबसे कि अमृत वेले उठ के क्या करते हो। अपने खास सेवादार बैठे थे सत्संग जी बाबा आनंद सिंह जी के पास, महापुरुषों के पास। किसी ने कहा इतनी माला मूल मंत्र, किसी ने कहा 5 वाणियों का पाठ, किसी ने कहा जो जो कोई करता था बताया। बाबा आनंद सिंह जी प्रसन्न हुए क्योंकि सबका नेम बहुत ज्यादा था। एक जट बैठा था वहां पर, बाबा आनंद सिंह जी ने उससे पूछा भाई तू क्या करता है, कहने लगा वो सीधा साधा जट था। कहने लगा महापुरुषो हम जट हैं, हमें कहो पेड़ उखाड़ कर यहां लगा दो, यहां से पेड़ उखाकर वहां लगा दो, वो भी कर लेंगे, पर ये नाम नहीं हमसे जपा जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगे हमारे पास जो भी रहता है एक शर्त होती है कि अमृत लौट के नाम जपना है, फिर तो अमृत लौट के करता क्या है। कहने लगा मैं अमृत वेले उठ जाता हूँ, उस वक्त सर्दियों के दिन होंगे, अमृत वेले उठ जाता हूँ, रजाई लेकर बैठ जाता हूँ और गुरु नानक से कहता हूँ तेरे लिए बैठा हूँ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे तू तो सबसे ऊपर निकल गया, तू तो इन सबसे ऊपर निकल गया, क्योंकि तेरे मन में ये भावना तो है कि गुरु नानक देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसे ये भाव आ गया कि मैं बैठा हूं और गुरु नानक देख रहा है मेरी भक्ति को, उसके लिए बैठा है तू, वो देख रहा है, सबसे ऊपर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। हम नाम जपते हैं हमें ये ख्याल तक नहीं आता कि गुरु नानक देख रहा है, और जिसे ये ख्याल आ गया कि गुरु नानक देख रहा है, कैमरा लग गया है, कैमरा लगा हो आदमी गलत हरकत ही नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
लिख के लगाया होता है मॉल्स में कि वी आर वॉचिंग यू, कि कैमरा आपको देख रहा है, तो आदमी ध्यान से रहता है भाई कोई गलती ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में ये भावना आ गई कि गुरु नानक देख रहा है, उसके जीवन से तो पाप ही खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो क्या गलत काम कर लेगा जिसे गुरु नानक देख रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बंदगी, ये बंदगी की दात मांगा करो पाछा तरस कर, ये अवस्था हमें भी बख्श दे कि हमें ये महसूस हो कि तू देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 शेख परी देखे दीजे बंदगी, शेख परी देखे दीजे बंदगी, तेरी पनह खुदा है खुदाए तू बख्शंदगी, तू बख्शंदगी शेख परी देखे दीजे बंदगी, शेख परी देखे दीजे बंदगी, दीजे बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बंदगी, इंसान बंदगी की तरफ दो वजह से लगता है, मेरा तो ये मानना है किसी भी वजह से लगे, किसी भी वजह से लगे कुर्बान उस पर जो बंदगी में लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो वजह है, एक तो जब तक जीवन में ठोकर नहीं खाता ना इंसान, तब तक वो बंदगी में नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऊपर ऊपर से जपता है नाम, पर भीतर से तब जपता है जब चोट लगती है और ज्ञान में हासिल होता है कि हे वाहेगुरु तेरे सिवा कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर गाता है तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राणधारा, फिर भीतर से आवाज निकलती है तू ही तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठोकर खाता है तब, कितनी मिसालें हैं। राजा भर्तृहरि ठोकर खाई, पता चला कि जिस रानी पिंगला को मैं प्रेम करता हूं, करोड़ बार याद करता हूं, वो किसी और को प्रेम करती है, ठोकर लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि से जोगी भर्तृहरि हो गया कि सारा संसार झूठा है, कि मैं जिसे करोड़ बार याद करता हूं मुझे एक बार भी याद नहीं करती। दुनियावी ठोकर लग गई, राजा भर्तृहरि त्यागी होकर जोगी भर्तृहरि हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन बना लिया कि अब उससे याद करूंगा जिसे एक बार याद करो, और वो
करोड़ बार याद करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा। पाचा कहते हैं तू एक कदम मेरी तरफ प्रेम का बढ़ा, मैं करोड़ कर्म तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये प्रेम केवल गुरु कर सकता है, करोड़ कदम बनाने वाला प्रेम। करोड़ कदम गुरु उसकी तरफ बढ़ाता है जो एक कदम बढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप आज विचार करो, सारी की सारी संगत अमृत वेले आई है जो रात को बैठी थी, कैसे कैसे हाथ खड़े किए, एक कदम बढ़ाया, गुरु नानक ने देख लिया, सबको बाह पकड़ कर उठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन हमने मन बनाया कि गुरु नानक तो उठाना हम उठेंगे, उसने उठाया। विचार करके देखो, अगर आज कहेंगे कल उठाना तो क्या कल गुरु नानक नहीं उठाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांग कर तो देखो इससे, ये तो देने के लिए बैठा है। पातशाह कहते हैं लोग दुनियावी चीजें मांगने आते हैं। कबीर जी को किसी ने पूछा कि किसी को प्रभु के दर्शन कराए हैं, प्रभु से मिलाया है कभी, किसी ने सवाल किया कबीर जी से। कबीर जी कहने की काम कर, एक कागज और एक कलम लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा हो जा और पूरा दिन जितनी भीड़ आती है उनसे पूछ क्यों आए हैं। कोई कहता है घर में औलाद नहीं है, कोई कहता है दुखी हूं, कोई कहता है व्यापार नहीं है। हजारों लोग होकर चले गए, कबीर जी कहने की दिखा कागज में, किसी ने कहा है कि प्रभु के दर्शन करने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। जब प्यास ही नहीं है किसी को तो दर्शन किसे कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो तो बैठा है, वेट करता है कि मेरा सिख मेरे पास आकर मांगे कि अमृत वेले की दात बख्श, पर हम मांगते कुछ और हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बंदगी की दात मांगो, ठोकर खाकर अगर सीखना हो बर्थरी के जैसा, आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि हम ठोकर खाके सीखे। दूसरा तरीका होता है सत्संगत में बैठकर ज्ञान हासिल कर ले। अब बताइए, एक आदमी चल रहा है आगे, हम चल रहे हैं पीछे, वो ठोकर खाके गिर जाता है, उसे देखकर हम साइड में से गुजर जाते हैं, सियाणप हुए ना, ठोकर खाने से बच गए। सियाणप किस में है कि पीछे वाला साइड में से गुजर जाए देखकर कि वहीं पर ठोकर खाकर गिर के फिर संभलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरे को ठोकर खाता देखकर सीख जाते हैं, वो है ज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। और एक मूर्ख हमारे जैसे, जब तक ठोकर लगेगी नहीं सीधे होंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हमारी मर्जी। ठोकर खाकर अगर सीखना पड़े तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत का यही लाभ है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर, कि ज्ञान हासिल हो जाए और फिर प्रेम हम अंदर पैदा हो जाए। ध्यान से समझना बात को, बिना ठोकर के बैराग पैदा नहीं होता और बैराग के बिना इंसान बंदगी नहीं मांगता, पर ज्ञानी सत्संगत में बैठ कर ही बैराग पैदा कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञानी सत्संगत में बैठकर शब्द से जुड़कर उसके भीतर बैराग पैदा हो जाता है। शब्द भी चोट करता है, चोट कई प्रकार की होती है, एक दुनियावी चोट, एक शब्द की चोट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जो ज्ञानी है वो शब्द की चोट से चोट खा लेता है और ज्ञान हासिल कर लेता है और बंदगी में लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञान लेने वाला तो कहीं से भी ज्ञान ले लेता है, कहीं से भी, और नहीं लेने वाला यहाँ से भी खाली चला जाता है, किंतु परंतु करके है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, चार प्रकार के संगी आते हैं सत्संगत में, ऊंगे सुंगे चुंगे और डूंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले ऊंगे जो आते हैं यहाँ पर सत्संग करने, पर आकर सो जाते हैं, जैसे आए थे वैसे ही चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना कुछ पाया ना कुछ गवाया, आए सोए और चले गए। दूसरे प्रकार के सूंघे आते तो सत्संग में है पर सूंघते रहते हैं कि कौन आया है, कौन जा रहा है, क्या पहन के आया है, क्या कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तीसरे प्रकार के होते हैं चूंगे। बाबा नरसिंह जी कहते थे अगर ये बिरती है सत्संग में मत जाया करो, क्योंकि जाओगे कुछ लेने अपना जो पहले का है वो भी गवा कर आ जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन। वो केवल बैठकर गलतियां ढूंढते हैं कि किसी ने गलती क्या की,
पर पंतों ने कौन सी गलती की बाहर जाकर फिर उसको सबको बताए, कीर्तनी ने कौन सी गलती की बाहर जाकर सबको बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो केवल गलती ढूंढने के लिए बैठे होते हैं, वो फिर बाहर जाकर निंदा करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ऐसे लोग संगत में ना आए, क्योंकि वो आते तो कुछ लेने हैं पर गवाह कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उनकी हालत उस प्रकार उस गंदगी की मक्खी की तरह होती है, पूरा शरीर स्वस्थ हो, मक्खी को उससे कोई लेना देने नहीं, छोटा सा जख्म जहां पर हो वहां पर जाकर उसने बैठ जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और चौथे प्रकार के होते हैं डूंगे, जो संगत में आते हैं, विचार को श्रवण करते हैं गहराई से, फिर बाहर जाकर बातें नहीं करते, विचार करते हुए घर जाते, घर में जाके भी शब्द का विचार करते हैं कि आज का जो विचार है इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे ऐसे संगी जो डूंगे हैं वो कुछ लेकर जाते हैं, वो असल में सत्संग करके गए जिन्होंने शब्द की विचार को अपने अंदर बसाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। 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 शेख परी देखे दीजे बंदगी, शेख परी देखे दीजे बंदगी, तेरी पनह खुदा से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह रावी के किनारे बैठे हैं, मेरे गुरु नानक पातशाह रावी के किनारे बैठे हैं, और जहां गुरु नानक पातशाह बैठ जाते थे जो वहां से गुजरता था आगे जा नहीं पाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दर्शन करके वहीं रुक जाता था, इंसानों की क्या बात करनी, पशु पक्षी भी रुक जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह रावी के किनारे बैठ गए और बहुत भीड़ लगने शुरू हो गई संगत के दर्शनों की। ऐतिहासिक घटना है, इस घटना से हमें ज्ञान मिलता है सत्संगत कितनी जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह बंदगी की दात सत्संगत में बैठकर मिल सकती है अगर शब्द चोट कर जाए, यही तो है। गुरु नानक पातशाह बैठे हैं रावी के किनारे, संगत की भीड़ लग गई। उस समय का थानेदार इतिहास में नाम आया है करोड़िया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा की तरफ से उसे थानेदारी मिली है उस इलाके की, उसे पता चला कि कोई आकर बैठा है संत, जिसकी वजह से भीड़ लग गई है और सारी फसल वहां से खराब हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बड़े क्रोध में साध संगत जी वो जब घर में बैठा उसे एक खबर मिली कि कोई संत आया जिसकी वजह से बहुत भीड़ जमा हो गई है, जिसकी वजह से आने जाने में तकलीफ हो रही है और वहां की फसलें भी खराब हो रही हैं क्योंकि संगत इतनी चलकर आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब थानेदारी का रोब है, औदा है, ताकत है, अहंकार है, कहने लगा वो जो भी है मैं उसे बांध कर लेकर आता हूं,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जानता नहीं कि कौन आया है, वो कोई संत समझ रहा है। कई लोग गुरु नानक पाशा को संत कह देते, बाबा नंद सिंह जी कहते थे नहीं, गुरु नानक तो वो है जिसने जिन्होंने जिसे एक चोर को भी एक बार देख लिया उसे संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे एक दृष्टि भरकर देख लिया प्रसन्नता से उसे संत बना दिया, भूमिया चोर सज्जन ठग ठग को भी संत बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन वो तो आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, निरंकार अकार ज्योत जग मंडल करे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक करोड़िया थानेदार जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ आगे बढ़ा, घोड़े ने पता नहीं क्या देखा, इतनी जोर से उछला कि करोड़िया को घोड़े से नीचे गिरा दिया, अपने से नीचे गिरा दिया और उसकी हड्डियां टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे उठाकर ले गए सब, कई हफ्ते इलाज चलता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इसके अंदर का क्रोध शांत नहीं हुआ कि वो संत वहां बैठा है, भीड़ लगी हुई है, मैं ठीक होते ही जाकर उसे बांध कर गिरफ्तार करके लेके आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई हफ्तों बाद जब यह ठीक हुआ तो फिर से जाने लगा, लोगों ने समझाया कि वो गुरु नानक है, खुद निरंकार धरती पर आए हैं, पर ये कहने लगा मैं नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुनिया में ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो कहते हैं हम नहीं मानते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी, बड़े से बड़े नास्तिकों को मैंने आस्तिक होते देखा है, पता है कब? जब वो हॉस्पिटल के बेड में लेट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हॉस्पिटल का बेड मिलता है ना तो नास्तिक भी वाहिगुरु 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 कह उठता है, फिर कहता है कि कुछ करो मेरे लिए, प्रभु को अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग ठिकाने तब आता है जब डॉक्टर कह देते कि हमारे बस की बात नहीं। डॉक्टर जब कहते हैं कि दवाई से नहीं दुआ से कुछ होगा, तब उसके दिमाग में आता है कि कोई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये शेठ करोड़ीमल, ये थानेदार करोड़िया कहने लगा मैं नहीं मानता, घोड़े पे सवार हो गया कि आज तो गुरु नानक को बांध कर लेकर आऊंगा। घोड़े पे सवार हुआ आगे बढ़ा, दिखना बंद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, दिखाई देना बंद हो गया, घबरा गया, घोड़े से नीचे उतरा, पीछे मुड़ता है तो रोशनी आ जाती है आंखों की, आगे बढ़ता है गुरु नानक पातशाह की तरफ तो आंखों की रोशनी चली जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार में पड़ गया, वापिस आ गया अपने घर में, सोच में पड़ गया, जो लोगों ने बात कही कहीं सच ना हो, क्योंकि कौन सी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बार ये थानेदार करोड़िया पैदल गया, नंगे पांव हाथ जोड़कर गुरु नानक पातशाह के पास। जब गुरु नानक पातशाह को माथा टेका तो ये बात गुरु नानक पातशाह ने करोड़िया से कही जो दास आपसे कह रहा है कि सत्संगत का लाभ क्या है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तूने इतने दुख इतने तकलीफें पता क्यों झेली करोड़िया, क्योंकि तूने कभी सत्संग नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तुझे सत्संग की प्राप्ति होती, संतों महापुरुषों की संगत तूने की होती तो तुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बादशाह ये बात गुरु नानक पातशाह ने ना कई लोगों को ज्ञान दिया। एक जमींदार आता था दूध की सेवा करने, तो समा आ गया, उसकी सेवा परवान हो गई। गुरु नानक पातशाह कहने लगे मांग क्या मांगता है, तो वो कहने लगा मुझे ना बहुत सारा धन चाहिए, इतने एकड़ जमीन चाहिए, इतने गाय चाहिए, इतने भैंसे चाहिए, वो लिस्ट लेकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरीबी थी तो उसे लगा कि धन मांग लू, पदार्थ मांग लू, जमीने मांग लू, ये तो निरंकार है, दे देंगे। गुरु नानक पातशाह कहने लगे जरा अपनी घरवाली से विचार कर ले, सोच समझ के मांग ले जो मांगना है। पर वो फिर से वही लिस्ट लेकर बैठ गया कि मुझे इतनी जमीन चाहिए, इतनी जायदाद चाहिए, इतने 100 एकड़ जमीन चाहिए। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे सत्संग की प्राप्ति नहीं है तुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठीक है जो तूने मांगा है तेरी सेवा के बदले तुझे मिल जाएगा,
पर एक बात याद रख, सत्संग किया कर। क्यों? कि अगर सत्संग किया होता तो ये नहीं मांगता, क्योंकि मूर्ख आदमी छांव मांगता है, ज्ञानी पेड़ मांगता है। पेड़ मिल गया, छांव तो अपने आप आ गई। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। और प्रोग्राम तो बहुत लंबा खींचना था, पर बरसात शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी, इसलिए समाप्ति करते हैं। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। आओ एक बार दास, एक बार सारी संगत, सारी संगत, कोई रसना खाली ना रहे। गाविए, सुनिए, मन रखिए, दुख पर हर सुख, दुखों को गुरु के चरणों में छोड़ दो, सुखों को ले जाओ। पर कैसे? गाओ और सुनो भी, पहले गाने के लिए कहा है। तो एक बार दास, एक बार सारी संगत, कोई रसना खाली ना रहे, ये दात गुरु से मांगे। इतनी प्यारी पंक्तियां, इतना रस आ रहा है ऐसे गाने में, मन करता है बस गाते ही जाए। तू बख्शंदगी शेख हरी देखे दीजे बंदगी शेख हरी देखे दीजे बंदगी पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कावो आप हाथ दे मोए बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना क्या जो पर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरिए अर्ध काल का त्रास नवरी है जो सदा हमारे पछा तुझ जो करियो रचा राख ले मुझे राखण हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंदा हो पुरी तकर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतरा काल पाए कर विषण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जो की शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जल छन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवार सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जान दो भले बुरे की पीर पछान दो चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्टि कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट के जान जब उदकर्ष करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब आकर्ष कर तो कब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव तांका मूढ़ उचार तो भेदा को पे
ਧਰਮ ਨ ਪਾਪਨ ਵੇਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰਪਾਨ ਅਨਮਾਨ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਚ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕਾਰ ਕਾ ਚੇਨਤ ਨੈ ਪੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਤੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਵ ਕਈ ਕੋਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੇ ਕੁਝ ਖਾਨ ਬਹੁ ਰਚ ਦੇ ਕਹੂੰ ਕੁਲ ਰਾਜਾ ਹਵ ਬੈਠਾ ਸਮਟ ਪਿਓ ਸੰਤਰ ਬੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗ ਆਦ ਸਰੂਪ ਸੇ ਅੰਭਵ ਅਵਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤੇ ਉਤਪਾਤਾ ਸਗਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਕਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਝ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੈ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵ ਮਰੈ ਉਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆ ਹੈ ਆਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟਨੇ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਏ ਸਭ ਕਾਲਾ ਉਸਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਤ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਨ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰੋ ਆਕੇ ਤਾਪ ਤਨਗਮੋ ਹਰੋ ਔਰੇ ਤੁ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛੈ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਪਾਸ ਤੇ ਤਾਏ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੀਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਡੋਰ ਮੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਖੜਗ ਕੀਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਡੋਰ ਮੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਤੇ ਲਿਓ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਸਭ ਸਵਾਰ ਨਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵੇ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਈਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਪਏ ਸੱਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਾਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪੁਰਿਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਆਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸੁਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘੜੀਆ ਘੜੀਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਲ ਪਲ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘੜੀਆ ਘੜੀਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना। सबसे पहले तो उसने हमको मानुख जन्म बख्शी, दे अरोगता बख्शी, फिर हमें गुरु नानक जैसा गुरु बख्शे। फिर उसने हमें संतों का सत्संग बख्शे। सत्संग बोलो श्री। दुनियावी चीजें मिल जाने कोई बड़ी बात नहीं। धनधन बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, थोड़े भागों से पुत्र मिल जाता है, थोड़े भाग हो मकान अपना बन जाता है, थोड़े भाग हो नौकरी अच्छी लग जाती है, पर जब बड़े भाग होते हैं तो सत्संग की ये घड़ी नसीब होती है। शुक्राना करें अपने गुरु का। हे सतगुरु, आपने कृपा करके हमें इस वक्त अपनी शरण में रखा, नहीं तो कोई इस वक्त अस्पतालों में पड़ा है, कितनी पीड़ा सह रहा है, कोई क्लबों में बैठा शराबें पी रहा है, कोई व्यभिचारों में बरत रहा है, कोई कहां भटक रहा है, पर तूने कितनी कृपा की हमारे अवगुणों को ना देखते हुए भी हमको अपने चरणों में जगह बख्शी। कृपा करनी जिस तरह आज बख्शी है ना जगह, इस तरह रोज थोड़ी सी जगह दे दिया, बहुत सारी नहीं मांगते, उच्चारण करो श्री नामदेव जी कहते हैं, भगत नामदेव जी, जहां जहां ध्रुव नारद टेके नैक टिकावो मोरे। हे प्रभु, जहां ध्रुव भगत को रखा है ना, जहां नारद मुनि जी को रखा है, बस उसी सत्संग में ना मुझे भी एक छोटी सी पीड़े जितनी जगह बख्श दे, ताकि मैं चौकड़ा मार के बैठ जाया करूं, लातें फैला के बैठने के लिए, आराम से लेटने के लिए जगह नहीं मांगता, बस थोड़ी सी जगह मांगता हूं कि तेरे चरणों में बैठने की जगह मिल जाए। सत्संग शुक्राना करो। एक नौकरानी राजे के दरबार में रोज झाड़ू दिया करती थी, संत हमारे कथा सुनाते थे, संत सुजान सिंह जी। राजे को तरस आ गया, बिचारी बुढ़ी हो गई है, उसने एक कीमती सुच्चा लाल दे दिया, उसको फेंक दिया, वो पल्ले से बांध के घर ले गई। राजे ने कहा चलो इसकी गरीबी कट गई, अब ये झाड़ू नहीं देगी, सुख से बाकी का जीवन निर्वाह करेगी, बहुत धन मिल गया इसको, सुच्चा लाल दे दिया। तो राजे ने क्या देखा, अगले दिन सुबह वो नौकरानी फिर झाड़ू दे रही है। पूछा अरे तुझे कल इतना कीमती लाल दिया, तो आज फिर झाड़ू देने आ गई, अभी तेरा पेट नहीं भरा? बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, धन तो बहुत मिल गया, साथ पुश्तें बैठ के भी खाएं तो ना खत्म हो, पर मैं तो झाड़ू इसलिए देने रोज आती हूँ, आज भी दे रही हूँ, कि जिस झाड़ू देने की कृपा से मुझे लाल मिला है वो झाड़ू कैसे छोड़ दूँ। तो तेरे दरबार में कोई एक लाल है, पता नहीं फिर कब कृपा कर दे। तो हमारे संत बोलते थे भाई, ये गुरु का शुक्राना नहीं करने आया, इतनी दातें गुरु से ले ली, मानुख जन्म भी ले लिया, श्वास भी ले लिए, देरोक्ता भी ले ली, धियां पुत्र भी ले लिए, मकान भी ले लिए, मोटर गाड़ियां भी ले ली, फिर एक बारी शुक्राना नहीं करने आया तो अकल तो नौकरानी जैसी भी ना रही ना, वही इतनी अकल तो रख लो। एक छोटे से बच्चे को चॉकलेट दे दें, वो भी प्यार से कह देता है अंकल थैंक यू। तो तुम्हें गुरु नानक, तुम्हें परमेश्वर, तुम्हें सतगुरु इतना कुछ दे रहा है, सुबह उठ के एक बारी तो कह दियो शुक्राना शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना।
सतगुरु तेरा शुकराना, ऐसा ना हो मीठे मीठे पदार्थ खाने वक्त शुकराना कर दे, क्योंकि ये जीवन है कभी पाना भी मनन का समा आ जाता है। बोलो श्री वाहे। लुकमान हकीम हुए हैं बहुत बड़े, उसको मंडी में से मालिक खरीद के लाए, गुलामों की मंडी से लुकमान हकीम को। छोटा सा था तो मालिक कहने लगा, लुकमान आज मुझे मन करता है मैं खरबूजा खाऊं, लेके आओ। तो वो गया ले आया, मालिक के आगे रखा। मालिक ने जब खरबूजे को काटा, फाड़ी मुंह में डाली, बड़ा कड़वा, सारे खरबूजे मीठे नहीं होते। इसलिए संगत में भी सारे सेवादार मीठे नहीं होते, कई कड़वे भी होते हैं। बोलो प्यार से श्री वाहेगुरु। तो जब उसने फाड़ी मुंह में रखी तो बड़ी कड़वी, तो थोड़ी सी भी अंदर ना जाए उसने बाहर जाके थूक दी, और जितना खरबूजा बाकी था खाना मालिक ने अपने गुलाम को दे दिया, बोला ये तू खा। तो उसने मालिक के चरणों में बैठ के सारा ही खरबूजा इतने प्यार से खाया जैसे मिश्री से भी मीठा। अब ध्यान देना, तो मालिक कहने हैरान हो गया, अरे लुकमान तुम्हें ये कड़वा नहीं लगा? बोला मालिक जब तू रोज मीठे मीठे पदार्थ देता था तो आज कड़वा दे दिया तो क्या हुआ, वो भी तो तेरे ही हाथों से आया है, वो भी मुझे मीठा है। तो गुरु के भाणे को मानना सच्ची भक्ति उसी की है जिसने गुरु के भाणे को मीठा करके मनाया है, शुक्राना किया। गुरु अर्जन देव जी ततियों लोगों पे भी बैठ के कह रहे हैं तेरा किया मीठा। हम तो कहते हैं सुख हमें दे, दुख हमारे पड़ोसी को दे दे। उच्चारण करो श्री। नहीं, ये भक्ति भाव नहीं, ये प्रेम भावना नहीं है गुरु की तरफ। जब प्रेम भावना होगी गुरु से तो सबके लिए सद्भावना होगी, सद्भावना के साथ शुभ मनोकामना होगी, शुद्ध मनोकामना के बाद त्याग होगा, त्याग के बाद प्रेम प्राप्त होगा। उच्चारण करो श्री वाहे। तो गुरु कृपा करे आप सभी संपन्न रहें, गुरु नानक मेरा करे आप सबको संपन्न रखे, संपन्न के साथ आपको प्रसन्न भी रखे। नहीं तो धन पराधारत बहुत मिल जाते हैं पर प्रसन्नता नहीं होती मन में। उच्चारण करो श्री। बड़े बड़े अमीर देखे हैं, पूछा भाई ये कितना अमीर है, बोला जी 16,000 करोड़ रुपया है, और शक्ल उसकी ऐसी है जैसे 3 दिन से रोटी नहीं मिली, ऐसे मुख मुरझाए। धन से खुशी नहीं आती, नाम जपने से चेहरे पे खुशी है। उच्चारण करो श्री। तो आप सब संपन्न रहें, हरे भरे रहें, फले फूले रहें, साथ में संपन्न के साथ प्रसन्न भी रहें, प्रसन्न के बाद परपन भी रहें। परपन का मतलब है अपने गुरु से जुड़े रहें और करते रहें उसका शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु तेरा शुक्राना। अरे बोलो सतगुरु तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना। रोज रोज तेरा शुक्राना, सतगुरु तेरा शुक्राना, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतगुरु तेरा
सतगुर तेरा शुकराना सतगुर तेरा शुकराना सतगुर तेरा शुकराना जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हिदायक न चलै नाल केव सचियारा होइऐ केव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाण नीसाण गावै को गुण वडियाई आचार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जीअ लै फिर देहे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथे काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे परवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिए सब आपे सचियार थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नहावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुखै काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहन मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीर पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास मने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम लिखण हार मने का बह कर्म विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध है मन्नै सगल भुण की सुध है
ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ, ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਹੇ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ, ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਅਲੇ ਵਲਾਇਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ, ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ, ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦੱਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ, ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸ ਆਇਆ ਆਗਾਸ, ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ, ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ, ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ,
ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹੇ, ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੁ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦਨ ਏਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਪਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਉ ਲੱਖ ਹੋਹ, ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏ ਤੁਰਾ ਹੈ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆ ਈਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ,
केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िया बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता मैं ममाहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरह न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे तिथे भगत बसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड बसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै त अंत ना अंत तिथे लोह लोह आकार जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार वेखै विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जात पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृतो तिताले घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सकल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो ग्राउंड फ्लोर पर मरीज बैठे हैं बाहर से आए हैं हॉस्पिटल से उन्हें ये पेपर जरूर दे दिए जाए वो वांझे ना रह जाए। एक बात यहां पर दास स्पष्ट कर दे साथ संगत जी के जो शब्दों का जाप दास कराने जा रहा है मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी बैठा होगा ना आप में से भी कोई तो भी ये वही चमत्कार करेगी जो मेरे बोलने से होने वाला है। कहने का भाव ये इसलिए देह अरोग नहीं होगी हमारी क्योंकि ये मैं करा रहा हूं ये इसलिए होगी क्योंकि ये गुरबाणी की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारी देह अरोग हो जाएगी ना हम आएंगे यहाँ पर तो मैंने कहा मेरे कहने से नहीं होगी ये आपकी भावना से होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल गुरु मेहर करे हमें सुनने की मन जोड़कर जपने की सुमत बख्शे कृपा करें। आओ अब मन बिरत्या एकाग्रचित कर लीजिए पीठ सीधी कर लीजिए सावधान हो जाइए बिल्कुल और सेवादारों से बेनती किसी भी प्रकार का शोर ना होने दें किसी भी प्रकार का। गुरु मेहर करें कि बिल्कुल मन एकाग्रचित हो जाए। गुरु नानक पातशाह मेहर करके हमारा मन अपने चरणों से जोड़ लें। मेरे देह में भी रोग हैं इसकी देह में भी रोग हैं ये भी बीमार हैं हम सब बीमार हैं किसी को छोटी बीमारी किसी को बड़ी। गुरु मेहर करें गुरु नानक मेहर करें तक की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये गुरु नानक की मेहर के बिना हो सकता है इतनी संगत रात को जुड़ी बैठी है संगत में सब संगत में ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़े धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ
तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागे जा की प्रभ आ गए अरदास ताको बिघन ना को लागे जा की प्रभ आ गए अरदास तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिघन ना को लागे जा की प्रभ आ गए अरदास मलार महला चौथा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार अंधकूप महापयान नानक पार उतार बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत नानक जैसे पावक काष्ट पसमं करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी
ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਔਖਦ ਜਾਹੋ ਔਖਦ ਜਾਹੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਤਹਿ ਮਿਟਹਿ ਖਿਨਾਹੋ ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਔਖਦ ਜਹ ਹਿਰਦੇ ਹਿਤਾਵੇ ਜਹ ਹਿਰਦੇ ਹਿਤਾਵੇ ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਹਰ ਔਖਦ ਹਰ ਔਖਦ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਭ ਘਟ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਵਿਧ ਨਾ ਬਣਾਈ ਵਿਧ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਕਰ ਦੀਆ ਸੰਜਮ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਤੋ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਦੁੱਖ ਨਾ ਥੀਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਲੋਕ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਕਟ ਕਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਹਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਰਾਣੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਾਥ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ ਰਾਖਾ ਏਕ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹਾਉ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਿਰੜਾਇਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ
एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे राखो सोरठ महल्ला पंजवां गए कलेश रोग सब नासे प्रभु अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभु आ गए अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभु आ गए अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुर पूरा भेटेओ मिटेओ सगल अंदेशा मिटेओ सगल अंदेशा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद ला राग बिलावल महल्ला पंजवां दुपदे
ਪਦੇ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਅਵਰ ਉਪਾਵ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ ਸਭ ਤਿਆਗਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦਾਰੂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਪ ਪਾਪ ਤਾਪ ਪਾਪ ਸਭ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸਭ ਮਿਟੇ ਰੋਗ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਇਆ ਸੀਤਲ ਮਨ ਭਇਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਨ ਹਾਰੈ ਰਾਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮਿਆ ਆਪਣੀ ਕਰਮਿਆ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢਿਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਿਆ ਕੀਨਾ ਅਪਨਿਆ ਸਿਮਰ 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 ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਸਿਮਰ 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 ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਇਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਗੁਰਪੂਰੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾਟਿਆ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਸੁਖੀ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਗੁਰਪੁਰੇ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕਿਨਹੀ ਦਾਤ ਹਰ ਕਿਨਹੀ ਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਨਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਨਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 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 ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਚ ਭਾਖਿਆ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਾ ਜਾਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਆ ਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਬ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੋ ਸੋਤੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਗਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਆਜ ਸਭ ਨੇ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਗਾਇਆ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੀਨੋ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਤਾਪ ਹੋਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਨ ਕੇ ਰੋਗ ਇੱਕ ਮਨ ਕੇ ਰੋਗ ਔਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਕੇ ਰੋਗ ਜੋ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰੋਂ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਆਤਮਾ ਕੋ ਲਗੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੀਨੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਗਰ ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਉਸਕੇ ਨਦਰ ਪਾਣੇ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਆ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾਓ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਈਏ ਅਬ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ